हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो हमने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया था, इसलिए हमने सोचा कि कुछ मीठा से स्टार्ट, और मैं अब कोशिश करूंगी कि डेली एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूं। तो सही माप के साथ सूजी का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल कम समय में। सूजी का हलवा बनाने के लिए गैस पर रखेंगे एक नॉनस्टिक कढ़ाई। हलवा एकदम परफेक्ट बने इसके लिए हम एक छोटा सा कटोरी लेंगे। इसी से अब सारे चीज़ का मेजरमेंट करेंगे। अब गैस को हम ऑन कर लेते हैं, फ्लेम को एकदम लो कर देते हैं। तो कटोरी से आधा कटोरी हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ऑयल मीडियम गरम हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें सूजी डालेंगे। तो सूजी का क्वांटिटी एक कटोरी रखें। तो इस कटोरी से हमने आधा कटोरी रिफाइंड ऑयल डाला है और एक कटोरी सूजी डाले और एक कटोरी सूजी डालेंगे। सूजी एकदम बारीक वाला होना चाहिए, इससे हलवा बहुत अच्छा बनता है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसको ग्राइंडिंग जार में चला लें थोड़ा सा। तो ऑयल हमारा मीडियम गरम हो गया है तो इसमें सारा सूजी हम ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑयल को हमें इतना ही गरम रखना है। इसको अच्छे से चला लें। अब सूजी को मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे सुनहरा होने तक। तो आप देख सकते हैं सूजी का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सूजी को भूनते हुए हमें 2 मिनट हो गए हैं तो सूजी का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो इसे 1 मिनट तक और हम भूनेंगे। तो सूजी को हमने 1 मिनट तक और भून लिया है तो आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा बहुत और चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें 1 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन डालने से सूजी में बाइंडिंग बहुत अच्छा आता है और हलवा बहुत टेस्टी भी बनता है। अब बेसन को अच्छे से मिला ले सूजी में और इसे 1 मिनट तक और भूनेंगे। हमने ड्राई फ्रूट्स में काजू और पिस्ता लिया है, इसे भी अभी डालेंगे। अभी डालने से काजू और पिस्ता अच्छे से भून जाता है। तो सूजी और बेसन को हमने अच्छे से भून लिया है तो आप इसका कलर देख सकते हैं एकदम चेंज हो गया है, एकदम सुनहरा हो गया है। अब हम इसमें 2 कटोरी उसी कटोरी से पानी डालेंगे। जितना हम ऑयल डाले थे उतना हम चीनी डालेंगे इसमें। चीनी का क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 1 बड़ी चम्मच देसी घी डालेंगे। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हलवा को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से ऑयल बाहर दिख रही है। हमारा सूजी का हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेते हैं। सूजी के हलवा को हमने निकाल लिया है सर्विंग बाउल में। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि ये देखने में कितना टेस्टी लग रहा है।
तो एक बार ज़रूर मेरे तरीक़ा से सूजी का हलवा बनाएं। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।